मेरा जन्म तो एक किसान परिवार में हुआ। मेरी माँ जो है, माँ का नाम था लक्ष्मी बाई और पिता का नाम बाबूराव था। दोनों भी बहुत सैंपल थे लेकिन ईमानदार थे। छक्के पंजे कभी उनके जीवन में दिखाई नहीं दिया। भले वो कुछ दिनों के बाद, जो पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, परिवार बढ़ता गया, पिताजी खेती पर आ गए, 3 साल से अलग अकाल पड़ गया और परिस्थिति इतना डाउन हो गया, फिर भी गरीबी आने के बाद भी ईमानदारी नहीं छोड़ा उन्होंने। अपने ईमानदारी सेव करते हुए और मेरे घर में मैं पहला ही लड़का था, इसलिए घर वालों ने मुझे बहुत लाड़ किया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे अच्छे, क्योंकि लाडला एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन मेरे माँ के संस्कार मेरे ऊपर बहुत अच्छे हुए। मैं बचपन से लेकर जैसे जैसे बढ़ते गया, ऐसे माँ के संस्कार मेरे ऊपर हो गए। और आज मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, उसका कारण है वो माँ के संस्कार। वो संस्कार कभी जाते नहीं जीवन से। एक बात मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता। 4 क्लास में मैं पढ़ता था, और टीचर ने मुझे गृहपाठ लिखने के लिए बताया कि कल सवेरे आते समय सब छात्र ने गृहपाठ लेकर आना लिखकर। मैं घर गया, दफ्तर रख दिया और खेल के लिए गया, गृहपाठ करना ही भूल गया। सवेरे जब स्कूल में गया तो सबके गृहपाठ चेक करना शुरू हो गया। अभी मैं बोला मैं क्या जवाब दूँ इसके, मैं तो गृहपाठ लिखा है नहीं। तो टीचर मेरे सामने आ गए तो मैं झूठ बोल दिया, मेरा गृहपाठ का नोट घर में भूल कर आया। तो टीचर ने कहा लेकर आ जाओ। अभी मैं घर गया तो कहाँ से टीचर लेकर आ जाओ मैं। तो माँ को मैं बोला कि अभी तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मैं अभी गृहपाठ लिखने के लिए बैठूंगा, कल मेरे साथ में आना कि कल आपने जो गृहपाठ लेने के लिए भेजा था किशन को, तो अचानक से एक काम निकल गया इसलिए उसको शहर में भेजा था। माँ बोली गलती तू कर रहा, मुझे झूठा बोलने के लिए बता रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तू किया तू भुगता अभी। तो मैं माँ को बोला अगर ये नहीं हुआ तो मेरी बदनामी होगी सब बच्चों के सामने, और मैं तो स्कूल में भी नहीं जा सकता फिर, ऐसे बदनामी से मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो माँ सोचने लगी फिर, और बाद में आने के लिए तैयार हो गए। तो एक उदाहरण ऐसे है कि माँ जब अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करती है तो कभी कभी माँ का प्यार जो होता है ना, कोई अलग होता है। माँ का प्यार की कीमत कोई नहीं कर सकता है। जैसे यशोदा मैया है, भगवान कृष्ण माखन खाते समय इसने देखा था, और देखने के बाद जब पूछने लगी तो वो कहने लगे मैया मेरे मैं नहीं माखन खायो, इसने देखा है, और बोलते है मैं नहीं माखन खायो।
आखिर जब माँ का हृदय होता है ना, उसके प्रति जो प्यार, और आखिर में ये माँ के प्यार के कारण वही कृष्ण कहने लगा कि मैया मेरे, मैंने ही माखन खायो। माँ ने देखा, फिर भी वो जब कहने लगे कि तू नहीं माखन खायो, जब वो बोला मैं चला जाऊंगा, मैं फिर से आऊंगा नहीं, मैं इधर से चला जाऊंगा, तो माँ ने क्या कहा कि तू नहीं माखन खायो। देखा था तो बच्चे पर प्यार जो होता है, तो माँ का प्यार कैसे होता है, ऐसे मैं भी झूठा बोला और माँ तैयार हो गई। और सवेरे उसने आकर बताया टीचरों को, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार और आज तक वो एक अच्छा सबक मिला। फिर से कभी मैं झूठ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, लेकिन वो बात मुझे आज भी मैं भूल नहीं सकता। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं नहीं भूल सकता उस बात को कि मैंने गलती किया था, और मेरी गलती संवारने के लिए माँ मेरे प्यार के कारण झूठ बोली थी। तो ऐसे माँ का प्यार जो है वो अलग प्यार होता है। 1962 में चाइना ऑपरेशन हुआ और हमारे बहुत बड़े नुकसान हो गया, देश का जवान काफ़ी मारे गए। तो सरकार ने एक चैलेंज किया था, आह्वान किया था युवकों के लिए, देश के लिए युवकों की जरूरत है। तो मेरे प्रति पहले से थोड़ा राष्ट्र प्रेम की भावना थी, मैं बोला चलो हम भी जाएंगे, तो भर्ती हो गया। और 63 में मैं भर्ती हो गया। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, क्योंकि हमारे पास जवानों की संख्या कम थी, बहुत लोग मारे गए थे चाइना 62 में, और 65 में ये जो लड़ाई हुई, तो मैं खेमकरण बॉर्डर पर था, तो पाकिस्तान के प्लेन आ गए और हमारे ऊपर हवाई हमले कर दिए। मेरे साथ वाले कई लोग, मेरे साथी शहीद हो गए। मैं एक गाड़ी चला रहा था, अब गाड़ी में 25-30 गोली लग गई, मुझे कहीं नहीं, यहाँ एक चोट लग गया, थोड़ा टुकड़ा लग गया, गाड़ी में लगकर सर में लग गया। और उस दृश्य को मैं देखा कि मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया, ये भगवान की कोई इच्छा है। उसके पहले स्वामी विवेकानंद को मैं पढ़ते गया था, मेरे सामने जो प्रश्न था कि क्या चक्कर है दुनिया का, जन्म आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और अंत में मेरा कुछ नहीं, तो जीते किस लिए? तो मैं सोचा आत्महत्या करना। और उसी टाइम 1965 का एक्सीडेंट हो गया और सब लोग शहीद हो गए, मैं बच गया। तब प्रश्न खड़ा हो गया कि सब गए और मैं बच गया, भगवान की कोई इच्छा है? स्वामी विवेकानंद से मुझे जीवन समझ में आ गया था, जीवन समझ में आ गया था कि हर इंसान के लिए जीवन मिला वो सेवा के लिए मिला है, सेवा में आनंद मिलता है जीवन में। सेवा का अर्थ भगवद गीता ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम भाव से किया हुआ कर्म ये भगवान की पूजा होती है, तो वो सेवा। ये मुझे समझ में आ गया था और एक्सीडेंट हो गया। उसी टाइम खेमकरण के सीमा पर मैं निर्णय ले लिया, आगे की लाइफ मेरे देश और मेरे समाज के सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना, बैचलर रहना, कि शादी करने से अगर चूल्हा जलाने में समय बीत गया तो मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वो सुझाव ले लिया कि पूरा जीवन सेवा के लिए अर्पण।
और बैचलर रहकर करना है ये भी तय किया। जब मैं बैचलर रहकर रहने का निर्णय लिया, लेकिन मन मुझे धोखा देने का प्रयास करता था। बाद में 65 से 75 10 साल और जो सर्विस किया बड़े कठिन थे। जब मैं रास्ते से निकल गया तो नया कपल जा रहा है, शादी किया हुआ, तो ये मन मुझे धोखा देने का प्रयास करता था, वो सही है तेरा सही है, विवेकानंद को पढ़ता, तेरा सही है। बड़ा खाना में एक गोद में बच्चा है, नया कपल आ गया खाने के लिए, तो मन धोखा देने का प्रयास करता था। इतना मन ने धोखा देने का प्रयास किया मुझे, लेकिन जब जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ते गया तब तक मुझे नई ऊर्जा मिलते गई और मन को लगाम लगा कर रख दिया। ये स्वामी विवेकानंद के जी प्रेरणा से फिर मैं गांव में आता था छुट्टी में, 2 महीने का छुट्टी में आता था, गांव की हालत देखता था। ये ड्रॉट पॉन एरिया है, आवर्षण प्रवण क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम होती है, पूरा उजड़ा हुआ गांव था, हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, 40 शराब की भट्टी चल रही थी, शराब निकालना, गांव गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना, इस स्थिति में गांव जा रहा था। 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए लोग जा रहे थे, हाथ के लिए काम नहीं है, ऐसी स्थिति में एक गांव जा रहा था। तो जब मैं छुट्टी पर आता था देखता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। जब मैं जीवन का ध्येय बनाया कि आगे की लाइफ सेवा के लिए अर्पण, और मैंने सोचा कि अपने गांव से शुरुआत करना, परिवर्तन जब करना है तो पहले मैं बदलना, फिर मेरा परिवार बदलना, मेरा गांव बदलना, फिर मेरा देश बदलना। अब खुद नहीं बदलते तो दूसरों को क्या बदलेंगे? आज बहुत से पॉलिटिक्स में क्या दिखाई देता है, मैं बिगड़ गया परवाह नहीं, जनता सुधरनी चाहिए। अरे तू ही बिगड़ गया तो जनता कहां से सुधरेगी? पहले मैं सुधरना है, मेरा परिवार सुधरना है, मेरा गांव सुधरना है, मेरा देश सुधरना है। तो इन बातों के लिए सोचना जरूरी है। मैंने सोचा कि गांव की जो हालत थी और ये जब मैं तय किया तो पहले लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए मुझे एक ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड मिला था 20,000 रुपया, उससे मंदिर का काम शुरू कर दिया। और जब मंदिर का काम शुरू कर दिया तो गांव का श्रद्धा स्थान होता है मंदिर, तो लोग सोचने लगे, अरे ये तो अपने पास से पैसा नहीं मांगता, ये काम तो चल रहा है, ये पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, सोचने लगे। आगे आगे वो 20,000 रुपये खत्म हो गए। तो पैसा खत्म हो गया, फिर मैं गांव वालों को बुलाया, मैं बोला अभी मेरे पास तो पैसा था, वो सब खत्म हो गया है, अभी आगे का काम तो करना है। तो लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं है, सब गरीबी है। तो लोगों ने सोचा कि दो जमीन के बॉर्डर पर जो पेड़ होते वो हमेशा झगड़े टंटे वाले होते हैं, ये बोलेगा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है। तो गांव के मेड़ पर जितने पेड़ है वो दोनों को बुलाना, आपस में समेट करना और मंदिर के लिए। तो 10 ट्रक लकड़ी जमा हो गया, पूरे पेड़ श्रमदान से काटे, लोग श्रमदान के लिए आ गए और पेड़ काटकर 10 ट्रक लकड़ी इकट्ठा हुई। और जब लकड़ी इकट्ठा हुई तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो जरूरत है लोग देते गए, तो उसमें से वो मंदिर बन गया कि वो श्रद्धा स्थान होता है लोगों का। उससे फिर लोगों को एक विश्वास आ गया। फिर ये जो देवी का मंदिर है इसमें ऑयल पेंट का काम किया, उससे और लोगों को विश्वास आ गया कि गांव में कोई था ही नहीं आदमी कि जिसको कुछ काम बताए
और वो सुने, ऐसे तो स्थिति नहीं थी। तो 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते, काम नहीं भूल के। तो ये जब चलते गया तो मैं ये सोचते बैठा कि अभी गांव तो खड़ा हो रहा है, लेकिन भूखे पेट से बैठे हुए लोगों को ज्ञान की बातें बताकर क्या होगा, उसकी भूख तरह सता रही है और हम उसको ज्ञान की बातें बता रहे, तो इससे क्या आएगा होगा। जब तक उसके रोटी का सवाल नहीं छूटता तब तक हमारे कहने का कोई मतलब नहीं होगा। विवेकानंद की किताबों से ये मुझे थोड़ा सा पता चल गया था। तो इसलिए पहले रोटी का सवाल छुड़ाने का प्रयास कैसे करना, तो एक प्रयोग हुआ था पूना के पास, ये जो वाटर से डवला, मैं देखा, आइडिया आ गई और ये तो अपने गांव में भी हम कर सकते हैं। फिर वो प्रयोग इधर शुरू किया वाटर से डवला, और मैं जब ये प्रोग्राम शुरू हो गया, दिन भर मैं धूप में खड़ा हो जाता था लोगों के साथ, तो लोगों को ये लगता था अरे ये क्या आदमी है, दिन भर बैठता भी नहीं नीचे। तो उनको उसके उनके दिल में एक मेरे प्रति एक अपनापन की भावना कि दिन भर मैं खड़ा हो जाता था। फिर वो आस्ते आस्ते कुछ बताने के लिए जाए मानने लगे, सुनने लगे, ऐसा विश्वास बढ़ते गया। और ये जो स्ट्रक्चर बन गए, पानी आ गया, कुआं में पानी चार्ज हो गया, उनका विश्वास और बढ़ गया। और ये विश्वास बढ़ने के कारण आस्ते 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 75 में काम शुरू हुआ था, 6 साल में उसके रिजल्ट मिल गए। और 7-8 साल में पूरा गांव क्लोज होते गए, नज़दीक आते गए, एक पारिवारिक भावना उनमें जग गई। फिर हमारा स्कूल का काम हम लोग शुरू किया, लोग कहने के बच्चों को स्कूल होना चाहिए। 2 कमरे थे, 4 क्लास तक शिक्षा, 2 कमरे में 4 क्लास बिठाना और 2 टीचर उनको पढ़ाना, बस ऐसी स्थिति थी। फिर लोगों ने कहा कि अच्छा एक शिक्षा होना चाहिए। फिर श्रमदान से हम लोग गांव में करीब 9-10 कमरे श्रमदान से बनाए, सादे सैंपल। उसके लिए टाटा रिलीफ कमेटी पुणे में जो है उनको हम लोग लेटर भेजा के ऊपर पत्रे डालने के लिए, हमें पत्रा देने से हम लोग बाकी श्रमदान करेंगे, तो उन्होंने एग्री हो गए। फिर 9-10 कमरे किया, फिर स्कूल निकाला, उससे और लोगों का विश्वास बढ़ गया। स्कूल के लिए मान्यता देने के लिए हमारा MLA हमारे अपोजिट में गया, अच्छा आपको मान्यता नहीं देंगे। तो मैं बोला, काफ़ी प्रयास किया, मैं 2 साल पागल बनकर घूम रहा था स्कूल के लिए, बहुत ही कोशिश किया। एक बार वो MLA था हमारा, उसका सौभाग्य और हमारा दुर्दैव कि वो शिक्षा मिनिस्टर बन गया, और उसने सोचा कि आप कैसे स्कूल चलाते हैं अभी देखते हैं, मैं आपने वोटिंग किया ना ना। तो एक दिन हम लोग रास्ते पर रोका सब बच्चे लेकर, तो मैं बोला हमारे में क्या कमी है, आप क्यों नहीं इसको मान्यता दे रहे। नहीं बोले, आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो मैं उनको बोला दोनों में एक होगा, ये तो स्कूल की मान्यता मिलेगी या हमारा देह त्याग होगा, दोनों में एक होगा, जो करना कर लो। वो गाड़ी में बैठकर गुस्सा से चला गया। फिर मैं कुछ दिनों के बाद उनको लेटर लिखा अनशन, तो उसका कोई जवाब नहीं। फिर मैं ये डेट निश्चित किया, और डेट निश्चित करने के बाद भी कोई जवाब नहीं, कि उनको लगता था ये कर करके क्या करेगा, हमारे साथ तो कोई पॉलिटिकल नहीं, गांव को लेकर हम लोग चल रहे, तो कोई जवाब नहीं आया। तो जब कल मैं अनशन के लिए जाना अहमदनगर जिला परिषद, तो मैं शाम को पूरे गांव वालों को बताया कि
मुझे आपसे कोई बात करनी है, मैं तो जा रहा हूँ अभी कल अनशन के लिए। तो लोगों के दिल में एक कुतूहल था कि क्या बात करने वाले हैं। पूरे महिला पुरुष सब मंदिर के सामने वो ग्राउंड में बैठ गए। मैं बोला भी मैं ही जा रहा हूँ, सरकार ने नहीं माना तो मैं वापस नहीं आऊँगा। मेरे निश्चित हो गया कि देह त्याग या स्कूल की मान्यता। तो मेरी विनती है आप सबसे, अगर मेरा देह त्याग हो गया तो उसको अग्नि दाग नहीं देना, उसको जलाना नहीं उस देह को। आप लोग सब मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो सीढ़ी के नीचे मुझे रख दो, ताकि आप हर एक आदमी दर्शन में जब आएंगे तो आपके पैर की धूल मेरे सर पर गिरती रहेगी। तो इतने भावनावश हो गए लोग, उस दिन चूल्हा नहीं जलाया, सबके आँख से आंसू। मैं निकल गया, रात को सब लोग बैठ गए, हम क्यों जिना। और सिरूर पारनेर दोनों तरफ गए और पूरे बसेस बुलाई, और मैं अनशन पर बैठने से पहले पूरे गांव उधर पहुंच गया, बूढ़े बच्चे सब। और वो रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को गया कि पूरा गांव अनशन के लिए बैठ गया, तो गवर्नमेंट हिल गई। और पहली बार महाराष्ट्र में ऐसे हुआ, 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सभी स्कूल के लिए ग्रांट के साथ अनुदान मंजूर हो गया। तो कितनी शक्ति है। ये कितने दिन चला अनशन है? ये अनशन कितने दिन चला, पहला वाला? नहीं, चलने नहीं दिया ना उसने। हम लोग पूरा गांव गया, तो जब मंत्रालय में मैसेज गया कि गांव बैठ गया, पूरी हलचल मच गई। फिर उधर से कोई दौड़े आ गए, सब लीडर वगैरह ये वो मध्यस्थी के लिए वो सब। और फिर वो तो मेरे कहने का मतलब कि गांव में बहुत शक्ति है, अगर गांव वालों ने सोचा तो असंभव कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग संगठित होना जरूरी है। तो ये फिर वो स्कूल निकाला, अभी वो स्कूल इतना बड़ा हो गया, अभी साइंस आर्ट कॉमर्स सब, अभी सीनियर कॉलेज भी निकाल रहे हम लोग। 80% लोग भूखे थे उस टाइम पर, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे। आज बारिश का बूंद न बूंद को रोका, रिचार्जिंग किया भूगर्भ में, वाटर टेबल बढ़ाया। 300 एकड़ जमीन में एक फसल मिलती थी और 1,500 एकड़ में दो फसल मिलने लगी। और जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उसी गांव से तरकारी विदेश में गई, कुवैत मस्कत दुबई। हमें मार्केट मिला था वहाँ का, पूरा प्लान करके हम लोग भेजा। आज अपने गांव में कोई भी आदमी भूखा नहीं, कोई बाहर से अनाज नहीं लेता। जो 80% लोग बाहर से अनाज लेते थे, आज एक भी फैमिली ऐसा नहीं कि जो बाहर से अनाज लेते हैं। पूरा स्वावलंबी गांव बन गया। करोड़ रुपए की बिल्डिंगें लोगों ने अपनी हिम्मत से बनाई, क्यों? पेट की रोटी हाथ के लिए काम मिला, अर्थव्यवस्था बदल गई। और अर्थव्यवस्था बदलने के कारण करोड़ रुपए की बिल्डिंग लोगों ने अपने श्रमदान से बनाए। आज भी गांव में 35 साल हो चुके हैं, सिर्फ एक बार हम लोग जबरदस्ती से उनको इलेक्शन करने के लिए बताए, नहीं तो इलेक्शन भी गांव में नहीं होता। सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन, ग्राम सभा, ग्राम सभा में सब तय होता है। तो ऐसे ये सब पिछले 40 साल हो गए हैं। अभी लोग स्वावलंबी हो गए, एजुकेशन, सामाजिक तौर पर अलग कई काम, जैसे शादी